गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज का टॉपिक अपना है कॉमन साइज स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट अपन कर चुके हैं, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस कर चुके हैं। चार मार्क्स के इस चैप्टर में द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कंपैरेटिव बैलेंस शीट। अगर अपन सीक्वेंस में बात करें तो फिर उसके बाद कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर कॉमन साइज। आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी देखेंगे तो कॉमन साइज के बहुत लिमिटेड क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के और 1-8 क्वेश्चन ही है बस बैलेंस शीट का। नाउ ओवरऑल सीन क्या होता है, द वर्ड कॉमन दैट मींस कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट को अपन कॉमन ले लेते हैं एंड उस अमाउंट को कंपेयर करते हैं, हर आइटम को उस पर्टिकुलर अमाउंट से कंपेयर करते हैं। तो कॉमन साइज बैलेंस शीट में एवरी आइटम ऑफ बैलेंस शीट इज टेकन परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल। फॉर एग्जाम्पल बैलेंस शीट का टोटल 1 लाख रुपीज है जिसमें से शेयर कैपिटल 20,000 है, तो अपन ये देखेंगे कि बैलेंस शीट के टोटल का कितना परसेंट है शेयर कैपिटल। तो ये कैसे निकल जाएगा, 20,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख। 20,000 क्या था शेयर कैपिटल, 1 लाख क्या है बैलेंस शीट का टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100। करेंट ईयर प्रीवियस ईयर दोनों के लिए अलग अलग होगा क्योंकि 2018-2019 यानी करेंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों का बैलेंस शीट का टोटल क्या होगा वो अलग होगा, तो दोनों का आइटम अलग अलग परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एवरी आइटम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज टेकन सर्टेन परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज नेट सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। फॉर एग्जाम्पल आपका फाइनेंस कॉस्ट उसमें दिया हुआ है 10,000 रुपीज, आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 1 लाख रुपीज, तो ये कितना परसेंट हो जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख। हर एक केस में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेंगे, यहाँ पे बैलेंस शीट का टोटल, यहाँ पे सारे आइटम को प्लस माइनस करने के बाद सम टोटल 100% ही होगा, यहाँ पे 100% से ज्यादा हो सकता है। कैसे हो सकता है समझेंगे। सपोज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 1 लाख, ठीक, अदर इनकम भी है 50,000, तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना हो गया 1,50,000। और अपन ने क्या बोला, हर एक आइटम को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से कंपेयर करेंगे, तो जब आप टोटल रेवेन्यू में जाओगे तो टोटल रेवेन्यू न्यूमरेटर में हो जाएगा 150, डिनोमिनेटर द कॉमन नंबर इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन विच इज 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, तो यहाँ पे मोर देन 100% आने के चांसेस है, यहाँ पे सम टोटल विल नॉट बी मोर देन 100%। कॉमन साइज स्टेटमेंट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17, फॉर्मेट जैसा कंपैरेटिव बैलेंस शीट में अपन ने पढ़ा था, क्या फॉर्मेट वही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक। तो प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए पहली चीज, दूसरी चीज पहले प्रीवियस ईयर फिर करेंट ईयर, प्रीवियस ईयर फिर करेंट ईयर, ठीक। पहले अपन ने रेवेन्यू स्टेटमेंट बना लिया, अब हर एक आइटम ऑफ एवरी ईयर वुड बी कंपेयर्ड विद इट्स ओन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जैसे 2014-15 का जब अपन परसेंटेज निकाल रहे हैं तो डिनोमिनेटर में 20 लाख होगा हर एक आइटम के लिए, जैसे यहाँ पे 20 लाख अपॉन 20 लाख 100, 7 लाख अपॉन 20 लाख 35, 3 लाख अपॉन 20 15, 10 अपॉन 20, ऐसे करके ये अपन ने कंप्लीट किया। फिर जब अपन 2015-16 में जाएंगे, अब 15-16 का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो चेंज है, तो अब डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 25 लाख, मतलब 25 लाख अपॉन 25 लाख, 10 अपॉन 25 लाख, 2 अपॉन 25 लाख, ये हर केस में वैसा हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे, आपने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल लिया, एक्सपेंसेस इंडिविजुअली निकाल लिया, तो अब आप क्या करेंगे, ये दोनों एक्सपेंसेस को एड कर देंगे तो ये आ जाएगा। भाई छोटा फिगर ऐड करना इज कंपैरेटिवली इजी इन कंपैरिजन टू आप 10 लाख या 12 लाख अपॉन 25 करोगे, ठीक है। तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क, दिस प्लस दिस ये एक्सपेंस हो गया। अब देखो इफ 100% इज रेवेन्यू, 50 इज एक्सपेंस, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 50 हो जाएगा। आप चाहो तो इंडिविजुअली परसेंटेज निकालो, बट उसमें शायद टाइम ज्यादा जाए, यहां तो चलो फर्स्ट ईयर में इजी है, सेकेंड ईयर में 13 लाख 25 ये तो निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, 13 लाख डिवाइडेड बाय 25 लाख कैलकुलेशन थोड़ा सा पड़ जाएगा। सो आप ये स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, अब 13 लाख का 40% निकालना इज कंपैरेटिवली टफर देन टू फाइंड आउट 52 लाख का 40%,
टैक्स रेट एक्चुअली 40% है, तो यहाँ पे 50 आया, 50 का मैंने 40% निकाल लिया, तो ये 20 बचा वो 30, 52 था ये टोटल रेवेन्यू 100 थी। यहाँ पे टोटल रेवेन्यू या ये जो रेवेन्यू है वो मोर देन 100 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अदर इनकम अगर आ गई, सपोज अदर इनकम 1 लाख थी यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 5, ठीक, 1 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख्स 5%, तो सम टोटल ये 105 हो गया। तो अब आपका टोटल रेवेन्यू कितना हो गया 105, फिर ये आप माइनस करेंगे तो 105 माइनस 50 होगा। सो जो मैं आपको बात बोल रहा था एक्सप्लेनेशन के टाइम में भी, यहाँ पे परसेंटेज कैन बी मोर देन 100 बिकॉज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, टोटल रेवेन्यू तो 21 लाख्स हो जाएगा, हमारे इस एग्जांपल में टोटल रेवेन्यू 21 लाख्स हो जाएगा, बट डिवाइड अभी की भी किसको करेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, टोटल रेवेन्यू को नहीं, क्या लिखा है परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक। सो इसको वापस बैक टू नॉर्मल, तो आप चाहो तो वो स्मार्ट वर्क कर सकते हो कि रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस कर दिए, प्लस माइनस करके आप जब सॉल्यूशन करोगे दैट वुड बी इजी इन कंपैरिजन टू, आप इंडिविजुअली आप चाहो तो इंडिविजुअली भी निकाल सकते हो। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, दैट वुड बी होमवर्क फॉर यू, उसमें चेंजेस कुछ भी नहीं है, एक ही साल का है, तो आपको एक ही साल का निकालना है, बट याद रखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम है उसमें, ठीक, तो टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम, बट स्टिल टोटल रेवेन्यू न्यूमरेटर में रहेगा और डिनोमिनेटर में तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही रहेगा, ठीक। सो नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, कॉमन साइज बैलेंस शीट, ठीक। नाउ द कंपैरिजन कैन बी इंटर फर्म और इंट्रा फर्म, इंटर फर्म मतलब दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन और इंट्रा फर्म मतलब एक ही ऑर्गेनाइजेशन दो अलग अलग टाइम पीरियड, यहां पे इंटर फर्म हो रहा है, सन लिमिटेड स्टार लिमिटेड, ठीक। So, पहले तो अपन पूरी बैलेंस शीट नॉर्मली जैसे बनाते हैं, अगेन इट हैज टू बी फॉर्मेट, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटी इफ एनी, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, ठीक। तो ये सब अपन ने बना दिया। अब कॉमन साइज, तो यहाँ पे अपन कॉमन क्या लेते हैं, बैलेंस शीट का टोटल परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल, दैट मीन एवरी आइटम ऑफ सन लिमिटेड, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, फिक्स्ड एसेट्स, ट्रेड रिसीवेबल विल बी कंपेयर्ड विद द बैलेंस शीट का टोटल, दैट इज 9 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख, 4 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख, 2 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख एंड इवन 15 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख 100। सो एक चीज गौर करने वाली बात है कि यहाँ पे बैलेंस शीट ये सम टोटल कैन नॉट बी मोर देन 100 जैसा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में होता था, क्यों, क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में न्यूमरेटर यानी टोटल रेवेन्यू कैन बी मोर देन द डिनोमिनेटर, दैट मींस नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल्स, बट यहां पे तो बैलेंस शीट से बड़ा कोई टोटल हो ही नहीं सकता, इसीलिए सम टोटल वुड बी 100। आप क्या कर सकते हैं, ये दोनों का टोटल निकाल लिए, तीसरे वाले को बैलेंसिंग फिगर ले लिए। सेम वे जब आप स्टार लिमिटेड का करेंगे तो एवरी आइटम वुड बी कंपेयर्ड विद द बैलेंस शीट टोटल ऑफ स्टार लिमिटेड, 12 lakhs divided by 18, 350 divided by 18, 250 divided by 18। ध्यान रखेंगे आपको अलग अलग साल का, यहाँ पे तो अलग अलग कंपनी है बट अगर अलग अलग साल होता तो पहले प्रीवियस ईयर फिर करंट ईयर, अलग अलग साल का बैलेंस शीट का टोटल एक एक आइटम से कंपेयर करते, ठीक। सो याद रखने जब यहाँ पे आप डिजिट लिखेंगे तो इट हैज टू बी टिल 2 digit एंड आखिरी वाला आइटम तो आप राउंड ऑफ करके ही लिख लेना, राउंड ऑफ इन द सेंस द सम टोटल ऑफ दिस 3 शुड नॉट बी मोर देन 100, इवन पॉइंट्स में भी ज्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो लास्ट फिगर ऐसा लिखना कि सम टोटल शुड बी 100, ठीक है। टेक्निकली देखा जाए तो वन ऑफ द लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉमन साइज बैलेंस शीट, स्टेट बैलेंस शीट, आप अपने बुक्स में भी देख सकते हैं एक आधी क्वेश्चन अवेलेबल है उसका। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज कंपैरेटिव बैलेंस शीट एंड कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बच्चों बहुत इजी टॉपिक है, बोनस चैप्टर है ये, 4 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में आता ही है, वो बोनस चैप्टर है, तो इसको 2-2 क्वेश्चन आप बना लेंगे तो ये आपके लिए वेटेज बढ़ा देगा, मार्क्स स्कोर करना आसान है इसमें, टाइम भी कम लगता है, कैलकुलेशंस थोड़े ज्यादा है बट आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे कैलकुलेशंस आएंगे जो इजीली अवेलेबल, इजीली कैलकुलेट
हो सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने का, ऐसा पॉइंट वाले फिगर्स आने के चांसेस ऑलमोस्ट नहीं है, इजी कैलकुलेशंस वाले हो सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कॉमन शीट, कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। हम एनालिसिस वाले टॉपिक में है, बुक में है। एनालिसिस मतलब इवैल्यूएट करना होता है, ठीक है। दो चीज अपन, इनफैक्ट तीन चीज अपन पढ़ चुके हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड रेशियो एनालिसिस। सिलेबस के हिसाब से सिर्फ एक टॉपिक बचा है इस पर्टिकुलर बुक में, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, 4 मार्क्स का है। आई होप अभी तक जितना भी अपन बनाया आप लोग भी साथ में बनाते जा रहे हैं, साथ साथ में पढ़ेंगे तो दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू गाइज ओनली, ठीक है। फ्रॉम नेक्स्ट वीक विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर। थैंक यू।